नमस्कार दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग नाम देख रहे हो, ऊपर में लिखा हुआ HBL पावर लिमिटेड। जहां दोस्तों आपको बहुत बार मैंने रिकमेंड किया HBL पावर लिमिटेड, पावर की एक बेहतरीन कंपनी और एक पावर का आप सोर्स भी इसको कह सकते हो, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और हम लोगों ने काफी करीबन इसमें 60 से 65 के आसपास मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट करा था और मैंने भी लिया था यहाँ पर 60 to 65 का रेंज था। आई थिंक मुझे अच्छे से बिल्कुल याद नहीं, 60 to 65 का रेंज था। कई बार इसने नीचे में मौका भी दिया लेने का, तो खैर यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की बात तो बात की बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल दोस्तों इसकी प्राइसिंग चल रही है वो देख के आप डेफिनेटली दोस्तों चौंक जाने वाले हो, और इतना ज्यादा इसने रिटर्न दिया है कि इसकी तो बात ही मत पूछिए। तो चलिए दोस्तों, ये एक रिव्यू वीडियो होगा HBL पावर लिमिटेड का। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग के ट्रेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अब क्योंकि दोस्तों मुझे मेरे ही प्लेलिस्ट में मेरा पहले वाला वीडियो मुझे नहीं मिल रहा जिसमें मैंने HBL पावर को रिकमेंड किया था, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर HBL पावर मैंने कई बार रिकमेंड कराया, नीचे के भाव पर भी कराया, 60 to 65 के लेवल पर भी कराया, बहुत बार किया है। और मैंने हर बार इसके फंडामेंटल डिटेल्स को आप लोगों को शो करके दिखाया कि कितने बेहतरीन इसके डिटेल्स है। इस वीडियो में भी लास्ट में हम लोग एक झलक देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर चार्ट पर बात करते हैं। देख सकते हैं लास्ट जो ट्रेडिंग डे है उसमें इसने जो हाई लगाया वो करीबन इसने हाई लगाया 98 रुपीज 20 पैसे का, लेकिन उससे भी जबरदस्त है परसों इसने लगाया था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे के पहले वाले डे को उसने 101 रुपए 90 पैसे यानी कि ऑलमोस्ट 102 रुपए का इसने हाई लगाया, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है, इसने सेंचुरी लगा दी। और दोस्तों बात कर ले इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट का, जो हाल ही में इसने सबसे लो पॉइंट बना और एक तरीके का कहें तो इसने सपोर्ट भी क्रिएट कराया, वो है 57 रुपीज के आसपास। इसने जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर अपना बना के रखा और काफी टाइम थी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम खेलता हुआ यहाँ पर चलता रहा, और काफी टाइम तो ऐसा भी लगा कि अब ये उतना ज्यादा प्रॉफिट देने के कंडीशन में नहीं है। जब ये इतनी दूर जाकर 84-85 जाकर वापस ये नीचे आ जाता तब कभी कभी ना ऐसा मन में आता कि मैं भी यहाँ पर 84 रुपीज के ऊपर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये यहाँ से वापस गिर जा रहा है। एक बार गिरा, फिर दो बार गिरा, फिर तीसरे बार गिरा, इस तरीके से बहुत बार ये 84 से टकरा कर नीचे आ रहा है। जैसा कि ग्रूवर वेल भी सेम कर रहा है, अभी वो 85 रुपीज के आसपास गया, फिर वहां से वो टकरा कर नीचे आया। तो मैं होप करूंगा कि ग्रूअर वेल लिमिटेड में भी जिन लोगों ने पोजीशन बनाया उन लोगों को भी कुछ इसी तरीके का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले। तो ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं करीबन है 1 जून 2022 का, और इसने जबरदस्त यहाँ पर से मूवमेंट दिया। 83 को एक बार में इसने ब्लीच करा, 83 का यहाँ पर कोई भी इज्जत इसने नहीं किया इस कैंडल ने, और यहाँ पर जो इसने हाई लगा लिया वो 97 का हाई लगाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने 83 की ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद दोस्तों लगातार ये 2 दिन ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन बात कर ले दोस्तों अगर इसके विपरीत कंडीशन हो, अभी तो हम लोग प्रॉफिट में तो बहुत मजे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में कोई कंडीशन हो जाए, जैसे कि मान ले यहाँ पर थे कल मंडे को यहाँ पर लगातार इसमें फॉल आता हुआ दिखे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन दोस्तों दो तीन तरीके के लोग होते हैं। जो लोग, एक पहला तो वो होगा जो सेफली खेलना चाहेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेगा, तो डेफिनेटली उन लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो प्रॉफिट आया उसको लेके निकल जाना है, यहाँ पर ज्यादा लफड़ा नहीं करने का है। फिर दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई रिस्क है तभी तो इश्क है, और रिस्क लूंगा तो बड़ा प्रॉफिट ही लेके निकलूंगा, यहाँ पर डबल करके ही निकलूंगा। अगर आपने, मैं मानू, 70 के आसपास भी ट्रेड लिया है तो आप 140 तक जाने का वेट करोगे कि ये डबल पैसा लेके निकलेंगे, भले ही ये वाला प्रॉफिट यहाँ से हाथ से छूट जाए। तो वैसे कंडीशन में दोस्तों आपको डेफिनेटली यहाँ पर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि मेरा भी अभी इसमें जो व्यू है वो और भी ज्यादा पॉजिटिव है, और हाल ही के दिनों में दोस्तों आपको ये डेफिनेटली ऊपर 110 120 के आसपास का टारगेट देता हुआ आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये दो कंडीशन थे दोस्तों, दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए। एक जो है बहुत ज्यादा रिस्की है, वो रिस्क लेना चाहता है, 140 तक रुकना चाहता है। एक है जो भाई जो आ रहा है उसको लो और निकल जाओ, ऐसा सेफ बंदा है वो, तो सेफ वाला अपनी तरफ सही है और रिस्क वाला बंदा जो अपनी तरफ सही है। अब मैं बताता हूँ कि दोनों तरीके का जो मिक्सचर वाला बंदा होता है वो क्या करे, जो रिस्क भी लेना चाहता है बड़ा प्रॉफिट भी करना चाहता है लेकिन आता हुआ प्रॉफिट को वो जाने भी नहीं देना चाहता, तो उनके लिए सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, आपको 50% का यहाँ पर सौदा कट कर देना चाहिए, और बचा हुआ 50% को आप भूल जाइए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट तो यहाँ पर आपको हो ही चुका है कि आप 50% क्वांटिटी को अगर आप भूल भी चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपका जो मूल अमाउंट रहेगा, जो बेस अमाउंट रहेगा, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर आउट होता हुआ दिखेगा। तो ये काफी अच्छी बात रहेगी कि अगर आप 50% बुक करके निकल जाते हैं और 50% अपने पैसे को इसी में छोड़ देते हैं, तो एक तरीके से वही बात हो गई कि मूलधन वापस और जो बाकी जो ट्रेड कर रहा है वो आपका प्रॉफिट ही यहाँ पर ट्रेड करेगा। तो अगर ये 130-140 के आसपास का टारगेट देता है तो आपको ये 50% जो है आपको ये जबरदस्त प्रॉफिट देगा, और ये 50% आपको यहाँ पर सेफ भी रखेगा अगर ये उल्टे कंडीशन में नीचे आने लगता है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त तरीका होगा बीच वाले बंदे के लिए, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता और बहुत ज्यादा यहाँ पर वो प्रॉफिट को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो प्रॉफिट भी ले लीजिए और रिस्क भी ले लीजिए, दोनों काम यहाँ पर हो जाना है।
अब चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल डिटेल्स को एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल डिटेल्स अभी भी अच्छे हैं या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर आपको फिनस्टार्स की रेटिंग एचपीएल पावर सिस्टम लिमिटेड में थोड़ी सी दोस्तों खराब होती हुई दिखेगी। यहाँ पर टू स्टार्स की ओवरऑल रेटिंग दिख रही है और फाइनेंशियल भी यहाँ पर वीक कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस टाइम पे हम लोगों ने पोजीशन बनाया था उस समय पर जबरदस्त यहाँ पर इसके फिनस्टार्स की रेटिंग थी। और आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर एक्सपेंसिव का वैल्यूएशन तो शो होना ही होना है, क्योंकि जब 60 रुपीज से निकल के 100 टच कर जाता है तो कोई भी चीज यहाँ पर डबल अगर होने के चांसेस में है तो वो एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगी। तो ये चीजें एक्सपेंसिव वाला क्राइटेरिया आप छोड़ दो। और ओनरशिप की बात करें तो अभी भी स्टेबल के क्राइटेरिया में, जो कि जबरदस्त है क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पर करीबन 59% आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देख सकते हैं 28 रुपीज की है और करेंट मार्केट प्राइस 95 चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीबन 3.5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि पीवी रेशियो में बता भी रहा है। बात कर ले प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो ये भी 30 के करीब चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव शो हो रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपए, जो कि आप लोगों को पता ही है। कैश कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ बात करें तो डेट का प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिल रहा, और डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं 0.07 है, तो यानी कि डेट का प्रोपोर्शन एकदम नॉमिनल सा है। सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो नेगेटिव ग्रोथ है यहाँ पर 15% की, और करीबन 14% की यहाँ पर प्रॉफिट में भी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इन सारे रेशियोज को देखने से पहले हम लोगों को यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट्स को ही चेक कर लेना चाहिए कि क्वार्टर के रिजल्ट्स में मार्च 2022 में आप देख सकते 376 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल्स देखने को मिला है, जो कि दिसंबर 2021 के मुकाबले थोड़ा सा तो ऊपर जाता हुआ दिखा है। बात कर ले दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 10 करोड़ की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्वार्टर के बेसिस पर एक चीज तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स में ग्रोथ है और प्लस आपका प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर रेशियोज थोड़े बहुत गड़बड़ हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल और वैल्यूएशन का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है, और डेफिनेटली अब स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो हो ही गया है। तो यहाँ पर पोजीशन बनाने की 95 रुपीज के आसपास पोजीशन बनाने की मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो 100 रुपीज के आसपास यहाँ पर पोजीशन बनाएगा, क्योंकि अगर आपको पोजीशन बनाना है तो आपको फिर से 80-70 का लेवल यहाँ पर रुकना पड़ेगा, उस लेवल पर आ जाए वापस से, जो कि अब मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आता है तो आपको वहां पर पोजीशन बनाना चाहिए क्योंकि वही उसका एक्यूरेट प्लेस होगा पोजीशन बनाने का। और पोजीशन एक बार में बिल्कुल भी ना बना, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बना रहे हैं तो बेसिकली आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पोजीशन बनानी चाहिए। एक बार में पोजीशन बनाने की गलती कभी भी ना करें, नहीं तो आपके विपरीत भी दोस्तों वो ट्रेड जा सकता है। तो होपफुली यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एचबीएल पावर लिमिटेड के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल करके चले। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी बी सेफ एंड गुड बाय।